भगवान की समुदाय की शक्ति ने मैं सबसे पहले अपने देश के इस सदी के लोक पुरुष के नाम पर विख्यात भारत के आदरणीय गृहमंत्री परिवार अमित शाह जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं अभिनंदन करता हूं भगवान बिरसा मुंडा जी की धरती में, इस धरती के लाल जो हमारे अभिभावक हैं और लंबे समय से इस क्षेत्र के जनता का प्यार स्नेह और सादगी के लिए हमेशा याद जाएंगे। आदरणीय डिप्टी स्पीकर रहे, आदरणीय बड़े भाई हमारे अभिभावक कड़िया मुंडा जी, जिनका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, हमारा अभिनंदन है। इस राज्य के राष्ट्रीय चेहरा के रूप में हमारे पूर्व इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री के रूप में इस लोकसभा के हमारे आदरणीय प्रत्याशी आदरणीय अर्जुन मुंडा जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, अभिनंदन है। इस मंच में आदरणीय हमारे प्रारंभ काल के ही हमारे साथी इस खूंटी के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय नीलकंठ सिंह मुंडा जी का, आदरणीय हमारे भाई कोचे मुंडा जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं इस मंच में। और यहां के प्रभारी हमारे पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता पूर्व मंत्री रविन्द्र राय जी का और भारतीय जनता पार्टी अच्छू के सभी पदाधिकारियों का और इतनी तादाद में आए इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी अच्छू के कार्यकर्ता और इस प्रधानमंत्री जी को चाहने वाले इस कूटी के सभी मतदाताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। ये सौभाग्य हमारा कि जिस धरती पर हम खड़े हैं, इसी धरती का आज इस धरती के लाल का प्रथम बार विश्व पटल पर और भारत के इस धरती पर 140 करोड़ आबादी के बीच में बिरसा जी के जीवन को और उनके जीवन के वृत्तांत को और घटनाओं को मोटर मानकर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशभर में जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय 15 नवंबर को घोषणा किया और हम झारखंडियों को गौरवित करने का एक अवसर दिया। मैं एक घटना यहां से रिलेटेड खाली कर रहा हूं, खूंटी पहला क्षेत्र नहीं है, खूंटी भारत के प्रधानमंत्रियों का वोट के लिए आना जाना लगा रहा है। मुझे याद है कि 90 के दशक में राजीव गांधी जी अपनी गाड़ी चलाकर इस क्षेत्र में आए और उनका इस क्षेत्र में आना, इस क्षेत्र में भ्रमण करना प्रधानमंत्री के रूप में और इस क्षेत्र के मतदाताओं को आकर्षित करने का उद्देश्य मात्र था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी बीच के काम में आते हैं और देश के ऐसे नामचीन चेहरों को पूरे भारत में स्थापित करने की कल्पना के साथ उनके गांव जाकर उनके हाथों में मस्तक होकर वो आदत बढ़ाते हैं, हमारा मान सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं। ये फर्क है, मैं ये बोलता हूं, ये अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के काम करने का और कांग्रेस के काम करने का ये अंतर है। और ये स्थापित है 55 साल तक जो देश में राज्य करने वाली जो कांग्रेस की सरकार रही है, हमें बड़ी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा, हमारे मतदाताओं को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। ये 10 साल से चलने वाला ये नाम यूं ही लोगों के ध्यान में और दिलों में वास नहीं करता है। हमारे इनके नेतृत्व में किया गया भारतवासियों के लिए जो काम है वो कहीं ना कहीं आज के दिन में पार्टी और गठबंधन ये से ऊपर उठकर एक प्यार और स्नेह मोदी जी के नाम पर बच्चा बच्चा गणी गणी मोदी जी के नाम पर आज दीवाना हुआ है। ये दीवानगी ऐसे नहीं आती है, 800 बार आपको देश के अंदर में नेता मिला है जो विश्वव्यापी पटल पर खड़ा होकर भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये चुनाव
सभा के ड्यूटी का है कि सीधे कैबिनेट में और मंत्रालय के रूप में दायित्व देने का काम किया, वो भी जनजातीय मंत्रालय का नेतृत्व और किसी भी भाग का नेतृत्व करने का अवसर। ये बहुत है, हमें अलग अलग रूप से देखना पड़ेगा। मैं यही देख रहा था दो दिन पहले, जिनको अलग अलग रूप से आप जानते हैं समझ रहे हैं, राहुल जी का प्रवास अगर हुआ, सभा हुई और उन्होंने कहा कि सारना कोड हम लागू कर देंगे। मैं तुरंत से कांग्रेस के मैनिफेस्टो में चला गया, मैं देखने लगा ये कमिटमेंट खूंटी के वोट के लिए या झारखंड के लिए वोट के लिए है या हिंदी जनजाति यहां पर है। वो देखने लगा तो आप निकाल के देख लीजिए उसके मैनिफेस्टो में वो हिस्सा नहीं है। ये वोट के हिस्सा का नारा देने के लिए इस प्रदेश में आए और अपनी बात बोल के चले गए। ये होता कुछ बातें केवल वोट के लिए चलती है, ये एनडीए वोट के लिए बात नहीं करती बल्कि भारत को बढ़ने की बात करती है। भारत को विश्वव्यापी पूरे व्यवस्था में अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने की बात करते हैं। ये दोनों जमीन आसमान का फर्क है, इसीलिए कहते हैं कि तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। ये तुष्टिकरण की राजनीति में एक पूरे समाज और धर्म को एक किनारे बैठा दिया। अब इस प्रदेश में जनजातीय पूरे इतने बड़े इलाकों को भी तुष्टिकरण की राजनीति में ले जाना चाहते हैं। आइए, मुझे गर्व है संविधान सभा का हमारा नेतृत्व आदरणीय जयपाल सिंह जी का, जो जनजातीय वर्ग के लिए उनका संबोधन उनका तर्क जो रहा है, हम लोग दो जनजातीय व्यवस्था प्रदेश में लाना चाहते हैं और उसका नेतृत्व मोदी जी करेंगे, आदरणीय साधियों का नेतृत्व करने का काम करेंगे, हमारी तैयारी है। मैं तो पूछता हूं जनजातीय का आपका मानक क्या है और क्या चाहते हैं? वो किसी एक परिवार का विकास को जनजातीय विकास नहीं कहा जा सकता। जनजातीय विकास गांव में अपना था एक कोई भी एक साधारण परिवार का व्यक्ति का जीवन में अंतर को याद आ रहा है कि ये दायित्व को निर्वाह करने वाला एनडीए सरकार है और इस विभाग का नेतृत्व कहीं ना कहीं आपका ये एनडीए गवर्नमेंट के नेता हमारे आदरणीय मोदी साहब करने वाले हैं और उसकी पूजा की तैयारी चल रही है। ये गए इस प्रदेश के कई ऐसे मसले हैं, कई ऐसे विषय हैं जिसको हम जानते हैं। ये विषय हो सकते हैं हमारे यहाँ सामाजिक के विषय है, लोहार लोहार का हो सकता है, कुर्मी का हो सकता है, भगवान का हो सकता है, ये सारे विषय है। राज्य के परिप्रेक्ष्य और देश के परिप्रेक्ष्य में हम उसका हल चाहते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नेता इन भारत के छोटे छोटे समस्याओं को बारीकी से देखते हैं, समय पर सीधे चीजों को रखकर हम इनका भविष्य हल निकालने की पूरी कोशिश हम लोग करेंगे। लेकिन अभी भारत